दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन 26 मार्च से खेला जाएगा। पहला मुकाबला सीएसके और केकेआर के बीच होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 29 मई को होगा। और आज की इस वीडियो में हम पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का प्लेइंग 11 के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि दोनों में से कौन सी टीम है ज़्यादा खतरनाक और दमदार। उससे पहले, अगर आप भी कर रहे हैं IPL 2022 में इन दोनों टीमों के भिड़ने का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो अब तक IPL के इतिहास में 17 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिनमें से 12 मैचों में हैदराबाद ने बाजी मारी है, तो वहीं पंजाब केवल 5 मैच ही जीत पाई है। तो दोस्तों, हेड टू हेड में हैदराबाद की टीम पंजाब पर भारी पड़ी है। अब IPL 2022 में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कंपैरिजन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बारे में। तो पंजाब की तरफ से ओपन करने वाले हैं शिखर धवन और मयंक अग्रवाल, वहीं नंबर 3 पर जॉनी बेयरस्टो उतरते दिखाई देंगे। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी केन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी के कंधों पर होगी। वहीं नंबर 3 पर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एडन मार्करम होंगे। टॉप ऑर्डर को कंपेयर करें तो नो डाउट पंजाब किंग्स का टॉप ऑर्डर हैदराबाद के टॉप ऑर्डर से कहीं ज़्यादा बेहतर और दमदार है। खास बात यह है कि पंजाब के तीनों बल्लेबाज शिखर धवन, मयंक अग्रवाल और जॉनी बेयरस्टो को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है IPL का। दूसरी तरफ हैदराबाद का टॉप ऑर्डर अनएक्सपीरियंस है। राहुल त्रिपाठी ने पिछले सीजन में अच्छी पारियां खेली थी और KKR को फाइनल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। विलियमसन और एडन मार्करम भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों के मुकाबले एक्सपीरियंस के मामले में पीछे हैं, और इसी वजह से पंजाब किंग्स का टॉप ऑर्डर हैदराबाद के टॉप ऑर्डर से ज़्यादा मजबूत है। टॉप ऑर्डर के बाद अब दोस्तों बात करते हैं मिडिल ऑर्डर के बारे में। तो पंजाब के मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर लियाम लिविंगस्टोन, नंबर 5 पर शाहरुख खान, नंबर 6 पर ओडियन स्मिथ और नंबर 7 पर हरप्रीत बरार होंगे। दूसरी तरफ SRH के मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर निकोलस पूरन, नंबर 5 पर अब्दुल समद, नंबर 6 पर वॉशिंगटन सुंदर और 7वें नंबर पर रोमारियो सेपर्ड दिखाई देंगे। बात कंपेरिजन की करें तो मिडिल ऑर्डर में दोनों टीमें बराबर हैं। पंजाब और हैदराबाद दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस है, हालांकि दोनों में खिलाड़ी खतरनाक हैं। पंजाब के पास लियाम लिविंगस्टोन जैसा खतरनाक बल्लेबाज है, तो वहीं SRH के पास निकोलस पूरन जैसा तूफानी बल्लेबाज। दोनों टीमों में ये दोनों ही खिलाड़ी टक्कर के हैं, बाकी के कुछ खास नहीं है। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बाद अब दोस्तों बात करते हैं लोअर ऑर्डर के बारे में। तो पंजाब के लोअर ऑर्डर में नंबर 8 पर कगिसो रबाडा, नंबर 9 पर संदीप शर्मा, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर राहुल चाहर होंगे। दूसरी तरफ SRH के लोअर ऑर्डर में नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर कार्तिक त्यागी, नंबर 10 पर टी नटराजन और 11वें नंबर पर श्रेयस गोपाल होंगे। बात कंपेरियन की करें तो पंजाब का पलड़ा हल्का सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पंजाब के पास कगिसो रबाडा जैसा विकेट टेकिंग बॉलर है, जो कि बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे। राहुल चाहर जैसा बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है और अब तक बढ़िया प्रदर्शन किया है। अर्शदीप ने भी बेहतरीन गेंदबाजी से इम्प्रेस किया है। दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद की बॉलिंग को लीड करेंगे, लेकिन अब वे पहले जितने इफेक्टिव नहीं हैं। बाकी गेंदबाज टी नटराजन, कार्तिक त्यागी और श्रेयस गोपाल अनएक्सपीरियंस हैं, और इसी वजह से पंजाब का पलड़ा हल्का सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दोस्तों, ओवरऑल पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का टीम कंपेरियन करें तो पंजाब का पलड़ा इस बार के IPL में हैदराबाद से ज़्यादा दमदार लग रहा है। टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में पंजाब हैदराबाद से कहीं ज़्यादा दमदार है। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम है पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद में से ज़्यादा खतरनाक, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। पंजाब किंग्स से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।